शनिवार को जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी को तगड़ा झटका लगा। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है। सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें के एच जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद अच्छक उद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खाउटे और थांगचाम अरुण कुमार शामिल हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने भी इन विधायकों के भाजपा में शामिल की जानकारी दी थी। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब वहां सिर्फ एक विधायक है जेडीयू में बचा है। बताया जा रहा है कि सभी विधायक जेडीयू के NDA गठबंधन से बाहर आने के फैसले से नाराज थे। ये फैसला नीतीश कुमार के उस ऐलान के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही थी। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जेडीयू ने इसे असंवैधानिक बताया तो दूसरी तरफ भाजपा और विधायकों का खुले दिल से स्वागत कर रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस मामले पर जेडीयू पर तंज कसा। बहुत जल्द लालू जी बिहार को भी जेडीयू मुक्त करा देंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू का एक विधायक भाजपा में शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।